तो हेलो मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। तो गाइज, यहां पर आप देख सकते हो मेरी गिल्ड कितने लेवल की है ना। आप भी अगर क्रिएट करना चाहते हो अपनी खुद की गिल्ड, यानी कि आप कस्टम कार्ड लेना चाहते हो किसी और की गिल्ड में, मतलब हो ना आप नहीं ले पा रहे होंगे, आपने भी सोचा है भाई मैं भी खुद की एक न्यू गिल्ड बनाऊंगा ना, उसमें आप बंदे मतलब कोई भी उनको एनिमी हो मतलब उनको मैं ऐड करूंगा और मेरी खुद की गिल्ड बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं पूरा एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली मेरी खुद की गिल्ड है, ये मैंने 5 से 7 महीने पहले बनाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने प्लेयर है, 50 मतलब पूरे प्लेयर मेरे अंदर है, और ऐसे वैसे प्लेयर नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब अधिकतर प्लेयर है सारे हीरोइक वाले, ये कुछ जा पूरे मेरे फ्रेंड भी नहीं है। तो आप भी मतलब कैसे इजी तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं सारे प्लेयर के बारे में डिटेल में दे दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी मतलब डॉक्टर भी पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि मुझे यहाँ से कस्टम कार्ड भी मिल जाता है। कस्टम कार्ड आपको भी कैसे मिलेगा, यानी कि लेवल 1 पे गिल्ड होगी फिर भी कस्टम कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो उसकी मैं आपको सारी डिटेल में जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल में जानकारी दे देता हूँ आपको कस्टम कार्ड कैसे मिलेगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं गाइज कि अपन को कस्टम कार्ड ऐसे मिलेगा कि भाई आपको क्या करना है, लेवल 4 की गिल्ड करनी पड़ेगी। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ मतलब हर शुक्रवार के दिन अपन को, फ्राइडे के दिन अपन को यहाँ से क्या है, अपन को टास्क दिया जाता है कि मतलब सारे प्लेयर मिलके 1800 डॉग टैग कंप्लीट करो। 1800 डॉग टैग कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बता लेता हूँ। आपको क्या करना पड़ता है, क्लैश स्क्वाड रैंक हो या क्लैश स्क्वाड हो या बरमूडा रैंक मैच हो, आपको क्या करना है उसे खेलना पड़ता है। उससे अगर आप जैसे ही विन करते हो तो आपको 10-10 डॉग टैग 5 या 10 मिलते हैं। अगर आप क्लैश स्क्वाड रैंक में हार जाते हो तो आपको 5 डॉग टैग मिलेंगे, अगर आप जीत जाते हो तो आपको 10 डॉग टैग मिलेंगे। तो इसी प्रकार से मतलब पूरा टूर्नामेंट होता है, उसी प्रकार से जितने भी प्लेयर हो उन सबको खेल के एक साथ पूरी करनी पड़ती है। अगर ये भी आपको मतलब किसी की गिल्ड हो ना, अगर नहीं होते हो पाते डॉग टैग, तो उसकी भी मैं आपके लिए वीडियो बना के रख लूँगा। यहाँ से अगर आप चाहे तो अपनी कोई भी मतलब ये नूब वाली अकाउंट भी डाल के यहाँ से कस्टम कार्ड आप चाहे तो 3 से 4 कस्टम कार्ड आप और भी एक्स्ट्रा ले सकते हो। इसीलिए मैंने भी ये गिल्ड बनाया है। तो अगर आपको भी ऐसी गिल्ड बनानी है तो मेरे को बोल सकते हो, और भी मैं आपको बता लेता हूँ। तो अगर आपके पास मतलब न्यू गिल्ड, मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे क्या क्रिएट करनी है। अगर आप न्यू गिल्ड क्रिएट करोगे उसके बाद आपके पास कोई मतलब फ्रेंड नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं होगा, तो आप कैसे क्या करोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके जैसे आप क्रिएट कर लोगे, यहाँ साइड में आपको नीचे की ओर एक बोप जैसा यहाँ से क्या ये देखने के लिए मिलेगा। अभी तो क्या है मेरी गिल्ड फुल है तो मतलब रिक्वेस्ट वर्ल्ड पे नहीं जा पाती है। तो यहाँ से आपको फिर मेल बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे कौन कौन प्लेयर आपके मतलब गिल्ड में आना चाहते हैं, तो वो वहाँ से क्लिक करेंगे ना आपको यहाँ पर शो करने के लिए मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अलग अलग मतलब प्लेयर को अंदर भी ले सकते हो, अगर आप जिस रैंक के प्लेयर को चाहते हो उस रैंक के ले सकते हो, लेकिन रैंक से कोई मैटर नहीं करता। अगर आप प्लेयर लेना चाहते हो तो आप इनके बैजेस देख सकते हो, मतलब किसी के भी बैजेस आपके आपने जितने कलेक्ट किए उसके आसपास या ऊपर है तो आप उनके ले सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादातर गेम खेलेंगे। तो आपके फ्राइडे के दिन आपको क्या ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, मतलब आपके डॉक्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अभी चलता हूँ मैं, उसे आपको सारी डिटेल में दे देता हूँ आपको कैसे क्या क्रिएट करनी है न्यू गिल्ड। तो इसलिए ये वाली तो मेरी खुद की गिल्ड है, तो यहाँ पर तो मतलब बता नहीं सकते। तो मेरे भाई लोग, यहाँ पर मैं गिल्ड क्रिएट करने से पहले आपको बता ही देता हूँ मतलब आपको वर्ल्ड पर कैसे चैट मिल सकते हैं, उस हिसाब से क्या अपन के अंदर मतलब अलग अलग बंदे भी आ सकेंगे। तो चलिए यहाँ से देख लेता हूँ मैं इसको। मेरे अभी मैंने 48 प्लेयर मतलब 2 प्लेयर को नूब वाले अकाउंट है मेरे, उनको बाहर किया ना। एक बार मैं यहाँ से आपको रिक्वेस्ट भेज के बता लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर भोपू जैसा दिख रहा होगा, उसको सिर्फ एक बार क्लिक करना, वहाँ पर से जाके फिर मैं आपको बता लेता हूँ। देख यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी वर्ल्ड की मतलब रिक्वेस्ट आ चुकी है मतलब गिल्ड की। यहाँ से कोई भी अगर मेंबर आना चाहेगा तो यहाँ से प्लस के आइकन को दबा लेगा, वो जैसे आएगा मतलब आपको ऑटो नहीं रखना है। देख सकते हो यहाँ पर अभी भी मैंने वर्ल्ड पे चैट डाली ना, अभी यहाँ से कोई प्लेयर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप ऑटो रखोगे तो ऐसे नू वाले अकाउंट बहुत सारे आ जाएंगे। तो इसको यहाँ से आपको गलत मतलब वापस रिजेक्ट कर लेना, वापस यहाँ से क्या रिक्वेस्ट डालते रहना, अच्छे अच्छे प्लेयर आते जाएंगे तो उस हिसाब से आप ले सकोगे। तो भाई चलिए न्यू क्रिएट करते हैं अपनी न्यू गिल्ड। भाई लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं अपने नूब अकाउंट में आ चुका हूँ, यहाँ पर से अभी अपन क्रिएट करने जाएंगे न्यू गिल्ड को। यहाँ से अलग अलग गिल्डें भी मिल जाएगी अगर आप जाना चाहे तो, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ से नीचे क्रिएट का करना पड़ेगा। क्रिएट करके आपको क्या क्या करना है सबसे पहले मैं आपको बता लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ से रीजन आपको मतलब सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी यहाँ से 2 रीजन दिख रहे हैं, एक तो नेपाल है और एक इंडिया। तो अपन इंडिया के रहने वाले हैं तो इंडिया के कर ले, अपना स्टेट कौन सा स्टेट अपन आप जहाँ से रहने वाले हो तो वहाँ से कर लो। मैं अब रहने वाला हूँ राजस्थान से तो मैंने राजस्थान कर लिया।
और यहाँ से आप नीचे देख सकते हो एक प्रोफाइल मेथड बताया गया है। यहाँ से एक मतलब आपको कौन से लेवल से एंड कौन सी रैंक पर मतलब बंदे को आप गिल्ड के अंदर लेना हो, तो मेरे हिसाब से मानो तो आप 30 लेवल तक बंदे को कर लो, क्योंकि भाई उतने लेवल के बंदे खेल पाते हैं, वो अच्छा खेलते हैं मतलब, तो इसीलिए आप 30 का रख लो। यहाँ से ऑटो नहीं करना, ऑटो करोगे तो भाई साहब कोई भी आपके मतलब कभी भी आ जाएगा, कभी भी निकल जाएगा बंदा, नूब वाले अकाउंट को भी आपको जोड़ लेगा। तो यहाँ से आपको ऑटो नहीं करना है, मतलब ऑटो रखना है, लेकिन यहाँ से मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा उस हिसाब से रखना है। तो यहाँ से जैसे करोगे तो यहाँ से आपको रैंक मतलब CS रैंक के या बरमूडा रैंक मैच की आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ से, तो पॉइंट, तो वहाँ से आपको क्या करना है सिल्वर पे क्लिक कर लेना है, सिल्वर पे नीचे भी आपको सिल्वर कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं सबसे पहले बता लेता हूँ। तो यहाँ से आपको क्या करना, ऑटो नहीं करना, इन दोनों को ऐसे कर लेना, फिर यहाँ पर कुछ स्लोगन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मतलब कुछ भी अपने टीम के लिए, तो यहाँ से लिख ले वेलकम लिख लेना, ऐसे कुछ भी मतलब ऐसे आप चाहे तो अपनी मर्जी से लिख सकते हो। तो यहाँ से जैसे ये लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करना अपना गिल्ड का नेम लिखना है, तो मेरा चैनल का नाम जॉनी गेमिंग है, तो इसलिए मैं एक बार जॉनी गेमिंग लिख देता हूँ, यहाँ से फिर कर लूँगा ओके। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो स्क्वाड नेम, यानी स्क्वाड नेम वही है। यहाँ से अगर आपको कौन सा भी मतलब इन दोनों में से कुछ भी लेना है मतलब टू यूज़ करना, तो मैं ये वाला कर लूँगा। और यहाँ से आपको क्या करना मतलब दो चीज़ें आपके लिए देखने के लिए मिल रही है, बहुत से लोग सोचते हैं मतलब अपन को दोनों चीज़ देनी पड़ेगी, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई। आपको क्या करना है 5000 कॉइन देने, गोल्ड कॉइन देने, तो जैसे मैं ये करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई आपको यहाँ से क्या करना है। मेरे अभी थोड़ी देर पहले मिस्टेक आ रही थी, मतलब मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ पर अपना जो भी नेम होता है, आप अगर चाहे डिजाइनिंग नेम लेना चाहते हो, कुछ भी लेना चाहते हो, तो आप गूगल पे सर्च कर लो, वहाँ से लिख लो, फिर वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना। तो आप क्या करना है अपने मतलब कोई भी नेम लिख रहे हो तो यहाँ पर क्या स्पेस नहीं छोड़ना, तो जैसे यहाँ से स्पेस मैंने हटा दिया तो यहाँ से ओके करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला गिल्ड नेम क्या है, पहले से एग्जिस्टिंग ही है, यानी कि मतलब किसी और ने भी ले रखा है। तो चलिए एक दो मैं यहाँ से लगा लेता हूँ, 1-2-3 लिख लेते, चलो ठीक है, यहाँ से मुझे लगता है ज़्यादा अपन नहीं ले, चलो कुछ डॉट लगा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये वापस कर लिया, तो यहाँ से आप देख सकते हो मेरी खुद की गिल्ड बन चुकी है। यहाँ से मुझे कुछ साइन अप वाले कुछ टैग भी मिल रहे हैं, आपको मतलब 20 मेंबर देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपकी मतलब गिल्ड को बड़ा भी करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, बिल्कुल मैं इजी सा तरीका लाऊंगा, बिल्कुल इतने कम डायमंड लगेंगे आपके लिए कि भाई साहब क्या ही बोले उसके लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो लेवल मतलब अभी तो लेवल 1 से ही चालू हो गया। आपको क्या जैसे 10,000 ग्लोरी कर लोगे तो आपकी लेवल 2 की हो जाएगी, और जैसे ही मतलब ऐसे अलग अलग बढ़ते जाएगा ना, आपको अभी मतलब आपके दोस्त हो तो मतलब यहाँ से रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, मतलब अलग अलग टाइप से यहाँ से मतलब रिक्वायर्ड है, यानी निकल सकते हो आप गिल से, अभी निकलना तो है ही नहीं अपन को। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ से अपन इस गोपू जैसा कुछ से दिख रहा है, यहाँ से अपन क्या गिल की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन अभी मेरी रिक्वेस्ट इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि भाई मेरी 15 लेवल से कम है, मतलब ये नूब अकाउंट है, तो इसीलिए इसमें कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा। तो मुझे लगता है भाई मैंने आपको सही डिटेल जो दी है वो बिल्कुल आसान तरीके से दी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर लो ना, इस वीडियो का लाइक एम है ज़्यादा नहीं, 100 लाइक का एम रख रहा हूँ। और कुछ भी भाई को अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप 1 साल के बाद भी अगर नीचे कमेंट करोगे तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा, देख लेना ये वाला मेरी जुबान रहेगी। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करें जरूर बताना, आपको समझ में आया कि नहीं आया वो बता लेना। तो अच्छा गाइज आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा गाइज चलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।